गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। प्रियांशी अभी सोई हुई है और अभी 7 बजा है और मैं उठी हूँ 6:45 से और चाय भी पी चुकी हूँ और मैं चावल चुन रही थी, चावल बिठाई हूँ और आलू उबाल दी हूँ लेकिन दाल नहीं बनाई है। और लेकिन मैं देखी सुबह इतना तेज की बारिश, मैं आप लोगों को दिखा दी, बहुत ही ज़्यादा तेज की बारिश हो रही है, इतना तेज बारिश है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अभी बज चुका है 12 और मेरा कपड़ा धुल चुका है लेकिन बाहर हो रहा था बारिश। प्रियांशी का मतलब टाइम ही नहीं हो रहा है, कोचिंग से आते हैं उसका पढ़ाई हो जा रहा है रात को, तो वो Q&A वीडियो एडिट नहीं की तो मुझे करना पड़ा कल रात के 11-12। मतलब मेरा भी ब्लॉग एडिट की एंड फिर उसका भी वीडियो, तो पूरा रात के मुझे बज गए कल 12:15, 12:45 हो गए, तो बस एडिट ही हो गया, एक्सपोर्ट होते होते तो सुबह ही हो गया। एंड Q&A वीडियो 26 मिनट का था, लॉन्ग था, तो वो मतलब अपलोड होते होते भी थोड़ा टाइम लगा, तो वो ठीक। आज प्रियांशी का 11 बजे नहीं आ पाया, 11:30 को आया, तो कोई बात नहीं, मतलब फ्राइडे को आना चाहिए था, वीडियो आ ही गया है। और अभी मैं मेरी वीडियो का मतलब कल रात से मैं जो एडिट की थी उसका काम कर रही थी, फिर क्या हुआ, रात को लेट सोई थी एंड सुबह जल्दी मतलब उठी खाना बनाने के लिए, क्योंकि उसके पापा तो 9:30 को चले जाएंगे, तो मैं 7 बजे उठ गई, 6:45 तक उठ गई एंड सारा काम करके खाना वाना बना के 9:30 बजे वो चले गए, प्रियांशी 10 बजे चली गई। आज ना प्रियांशी नहीं उठी थी, तब मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था एंड जब उठेगी मैंने बोली थी उसको दिखाऊँगी, लेकिन इतनी हड़बड़ी हुई उसको खाना खिलाना, बहन भी आ गया, वो चली भी गई। सो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, जब वो स्कूल से आएगी फिर हम ब्लॉग में दिखा ही दूंगी। एंड अभी थोड़ा बारिश इतना तेज हो रहा था ना, तो सारा कपड़े मैं भाग भाग के लाई, मैं सोने वाली थी लेकिन ले आई हूँ। और अभी तो 12 ही बजा है तो मुझे अभी भूख नहीं है, क्योंकि सुबह आज पूरी सब्जी बनाए थे, तो मैं जाती हूँ 1-2 घंटा कम से कम लेट जाती हूँ, उसके बाद लंच करूँगी और कपड़ा पहले सुखाना है, तो मैं कपड़ा सुखा के आ जाती हूँ, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग प्रियांशी, गुड इवनिंग। प्रियांशी घर आ गई है और आके ये क्या कर रही है, आ रही है। आते ही तो वो थक जाती है, सोफा में बैठ के पूरा फोन देखती है, मतलब फोन देखने के लिए थक जाती हो क्या? ज्यादा थक रही हूँ। आज हमारा म्यूजिक और डांस की जगह कराटे करवा लिया हमारा। तुम कराटे की नहीं की? आ गया थोड़ा, एक नमकीन मुझे तो दे दो, कितना मुझे भी खाने में आधे में आ गई, खाने खाने का मन लग रहा है, ये नमकीन। ट्यूशन का वक्त है इसलिए क्लास में बैठ के आधे में आ गई। कर ली नहीं की? आज मैंने उसका ब्रेकफास्ट नहीं बनाई हूँ, मतलब स्नैक्स नहीं बनाई हूँ, तो उसको दूध बिस्किट दे रही हूँ, उसका फेवरेट ओरियो, और उधर दे रही हूँ थोड़ा सा नमकीन, और आते ही वो जूस पी ली ना। और ट्यूशन से होमवर्क दिए, जितना हो करो, जितना नहीं है मत करो, मैं तुम्हारे सर को बोल दूंगी, ठीक है? अभी तो मुझे कुछ नहीं करना। क्या नहीं करना? और कल फ्रेंड्स प्रियांशी का स्कूल से बुलाए हैं पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए, तो मुझे भी स्कूल जाना पड़ेगा, लेकिन अगर वो सुबह सुबह बुलाते तो इन लोगों का क्लास छुट्टी हो जाता, लेकिन सुबह नहीं बुलाए तो 11:15 को बुलाए, एग्जाम आ रहा है बोल के उनका स्कूल कुछ भी दिन छुट्टी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कोर्स नहीं खत्म किए होंगे और क्या, सिलेबस कम्प्लीट के दिन भी छुट्टी नहीं। ओनम के दिन, ओनम का कब था? आज की 8 तारीख। हाँ, तो कल था वो ओनम। नहीं नहीं सर, 30 अगस्त। ओके, तो मैं जाती हूँ जल्दी से चाय थोड़ा बना लेके पी लेती हूँ, क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा है बहुत तेज़ी से। प्रियांशी का एक्स्ट्रा क्लास है क्या आज भी? तो उसको 5:30 को छोड़ने जाऊँगी, तो उधर से मुझे वेजिटेबल लाना होगा, हाटों भी जाऊँगी। जल्दी 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 जल्दी। बेचारी प्रियांशी थक जाती है स्कूल कोचिंग जॉब। मैंने एक दिन सबसे सारे चीजें चेंज कर दी,
जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तुम्हारा, छुट्टी ही छुट्टी, तब छुट्टी में बोर हो जाओगे। एग्जाम खत्म होने के बाद 10 डेज छुट्टी है, 10 डेज तो बैंगलोर जाके मस्ती करोगे अपने भाई बहनों के साथ, नो पढ़ाई। मुझे कोचिंग का एक दिन और स्कूल का एक दिन और एडिटिंग का एक दिन और खाने का एक दिन, एक पीने का, खाने का और पीने का छुट्टी नहीं मिल सकता। बिना खाए पिए एक दिन रह जाओगे? नहीं नहीं, तो हाँ वही तो बोलो, नहीं तो खाने पीने से कोई छुट्टी। ओके ठीक है, आफ्टर एग्जाम एक दिन तुमको सारे में छुट्टी मिल जाएगा, ठीक है, खुश। लेकिन एग्जाम तक तो पढ़ना पड़ेगा ना बेटा। तुम्हारे फ्रेंड्स लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि अभी अगर थोड़ा हम स्ट्रॉन्ग करके मेहनत करेंगे पढ़ाई में तो जिंदगी क्या बन जाएगा, जीना है यहाँ खा ले लो। देखा फ्रेंड्स कैसे बेइज्जती की अपने मम्मी का, ऐसे कोई करता है? मैं बेइज्जती करती हूँ तो मुझे ऐसे क्यों बोली, बेइज्जती नहीं हुआ? सॉरी मम्मी, मुझे खाना है यार। हाँ खाओ तो सॉरी मम्मी बोल के खाओ, सॉरी इधर देख के कैमरा को देख के बोलो और कान पकड़ के बोलो गलती हो गई। ओहो मेरी बेटी, दो छोटी बाली आ चुकी हूँ एंड अभी मैं करने वाली हूँ पढ़ाई, एग्जाम्स पास आ रहा है, यू नो आई हैव टू प्रिपेयर। मैंने एक बार पढ़ा था बस, अभी मुझे रिविजन करना है, मतलब एक बार पढ़ा था इसलिए एग्जाम्स टाइम में फिर से पढ़ना है, रिविजन करना है। एंड फर्स्ट एग्जाम है मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट वाइज, तो कल रात को मैंने सारे पार्टीशन रेडी कर दिया था, तो ये है इंग्लिश का मेरा सिलेबस। तो लिटरेचर का है, लेकिन लिटरेचर अब अभी नहीं करेंगे हम लोग, ग्रामर करने वाले हैं। तो ग्रामर का ना मैम ओनली रिविजन 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 टेस्ट का लेने वाली हूँ, तो यहाँ हेडिंग में हम लोग दे देंगे जी आर ए एम एम आर ए आर एम एम ए आर कॉमा। थोड़ा काम था लैपटॉप में, मैं कर रही थी मतलब एडिटिंग और कमेंट रिप्लाई। प्रियांशी, प्रियांशी पढ़ाई खत्म हो गया? हाँ। वहाँ पे टेबल में वो कॉपी है, ले आओ। तो 11 बज चुका है एंड प्रियांशी अभी जाएगी जल्दी सोने, क्योंकि कल है सैटरडे एंड सैटरडे उसका क्या मॉर्निंग क्लास है, एंड कल प्रियांशी मॉर्निंग को जाएगी स्कूल और मैं भी उसके स्कूल जाऊंगी। स्कूल छोड़ने जाओगे? नहीं छोड़ने, वैन में जाना, आने वक्त मैं लेके आऊंगी उसको, क्योंकि मैं खाना बनाऊंगी, उसके पापा जाएंगे 9:30 ना, सो इसीलिए। एंड कल मॉर्निंग है तो हम मैम ने मतलब ग्रुप में मैसेज दिए हैं 11:15 से मीटिंग होगा, लेकिन इनका स्कूल ख़त्म होने के बाद मीटिंग होगा। सो मैं प्रियांशी को बोल रही हूँ तुम स्कूल से मत आना, वहीं रह जाना ताकि मैं भी पहुँच जाऊँगी तो मीटिंग। कितने देर तक मैं रह रहूँगी? कितना देर तक? 10:30 में छुट्टी होगा ना, आधा घंटा 11 में मीटिंग। आधा घंटा क्या करूँगी, क्लास में बैठी रहूँ? हाँ लिखते रहना, अपना काम करते रहना, तुम्हारे क्लास में ही मीटिंग है, मैं तो पहुँच जाऊँगी 11 बजे। सो और नहीं तो बहन मैं आऊँगी, तुम घर में पहुँचोगी और इधर से मैं जाऊँगी, ऐसे करोगे? हाँ। और मीटिंग में ये होता है कि फ्रेंड्स प्रियांशी लोग भी रहते हैं, बच्चे लोग रहने से अच्छा रहता है कि मैम के साथ कुछ डिस्कशन हो पढ़ाई में क्या हुआ, तो इसीलिए अच्छा रहता है। नाम ले लेते हैं आज का, एंड एक सुहाना ने आपको एक क्वेश्चन पूछे हैं, हर्बिवोरियस डेफिनेशन। अच्छा तो व्हाट इज हर्बिवोरियस, लास्ट में उनको बताना, पहले नाम ले लेते हैं। एंड उनको कल वाला ब्लॉग बहुत अच्छा लगा जो स्टडी वाला बनाए थे तुमने, तो आज का नाम है वैष्णवी रोजलिन रसिक पंचल नया दिव्या आर्या राजश्री सिंह मानसी भार्गवी आयुषी अद्या। और जो सुहाना ने पूछा था व्हाट इज हर्बिवोरस, मैं बता देती हूँ,
वो कौन से सब्जेक्ट का है आप लोग का? साइंस का। द एनिमल्स व्हिच ओनली ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर नोन एज हर्बीवोरस, फॉर एग्जांपल काओ, डियर। गोट भी हो सकता है। ओके, सो सुहाना जी, प्रियांशी ने जो आंसर दिया वो सही है कि नहीं आप कमेंट में बताना। एंड जिन जिन लोगों का नाम आया था आज के कमेंट में, मैं लिख ली थी तो ले लिए। और जिन लोगों का नाम लेना भी है तो आप लोग क्या करना कि प्रियांशी के चैनल में मत कमेंट करो कि मेरा ये नाम लो वो नाम लो। आप लोग ना बबीना यूट्यूबर में कमेंट करो, ताकि बबीना यूट्यूबर का मैं कमेंट डेली रीड करती हूँ और लिख लेती हूँ कि आप लोगों का नाम लेना है। सो इसीलिए, एंड जिन जिन लोगों का, बहुत लोगों का एग्जाम कल से शुरू हो रहा है, तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। एग्जाम अच्छे से देना, पढ़ाई करना एंड रिविजन भी करना। एग्जाम के बाद मेरा ब्लॉग देखना, चाहे मेरा ब्लॉग देखो ना देखो। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आंटी हम देख नहीं पा रहे हैं, तो इट्स ओके, देख नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप लोगों का जब टाइम होगा तब देख लेना, ठीक है। एंड क्या, बाय गाइस, गुड नाइट। प्रियांशी के आंख में बहुत नींद आ गई, दोनों आंख पूरा इतने छोटे छोटे हो गया। बाय बाय, गुड नाइट। Thank you.